हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू सिर्स आर टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज बी एंड सी इन 24 डेज ए एंड सी इन 36 डेज वर्किंग टुगेदर दे कैन डू द वर्क इन कितना दिन में करेगा सर ये करने का बहुत आसान तरीका है सर ए प्लस बी प्लस एक दिन में कितना पार्ट करता है सर हाफ इन टू वन बाई एटीन प्लस वन बाई ट्वेंटी फोर प्लस वन बाई थर्टी सिक्स तो सेवेंटी ट्वेल्व हो रहा है सर हाफ इंटू सेवेंटी टू ऊपर हो रहा है आपका अठारह चार चौबीस तीन छत्तीस दो मतलब नौ बाई वन टू इंटू सेवेंटी टू नौ आठ बहत्तर आठ दो सोलह तो एक दिन में वन बाई सिक्सटीन पार्ट करता है मतलब सोलह दिन में काम खत्म होगा ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर अब समझने की को कोशिश करो ये प्रोसेस कहाँ से आया या फिर ये कैसे हो गया ठीक है या हम फ्रैक्शन वैल्यू से जल्दी जल्दी हो जाता है ठीक है कैसे हो जाएगा सर सर देखो ए प्लस बी प्लस सी या फिर एफिशिएंसी से चेक करते हैं ए प्लस बी प्लस सी करता है अठारह दिन में बी प्लस सी करता है चौबीस दिन में सी प्लस ए करेगा सर सी प्लस ए करेगा छत्तीस दिन में तीनों का एलसीएम ले, ले लेता है कितना हो जाएगा सर सेवेंटी टू टोटल यूनिट ऑफ वर्क सेवेंटी टू यूनिट अब देखो अठारह दिन में करता है बहत्तर यूनिट तो कितना यूनिट होगा एक दिन में चार यूनिट चौ, चौबीस दिन में करता है बहत्तर यूनिट एक दिन में तीन यूनिट छत्तीस दिन में करता है बहत्तर यूनिट एक दिन में दो यूनिट टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना हो रहा है चार तीन सात दो नौ नौ यूनिट करता है कितना कौन सा टू इन टू ए प्लस बी प्लस सी इनक जोड़ो देखो टू इन टू ए प्लस बी प्लस सी आएगा तो ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कितना यूनिट करता है सर नौ बटा टू ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करता है नौ बटा टू यूनिट तो नौ बटा टू यूनिट करता है एक दिन में बहत्तर यूनिट करेगा बहत्तर बटा नौ बटा टू ऊपर दो नौ आठ बहत्तर आठ दो सोलह ठीक है सोलह यूनिट करेगा ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर ओके सर थैंक यू बाय ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास